हैप्पी हरतालिका तीज माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और मैं तीज की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, कल तीज है और तीज के एक दिन पहले वाले दिन बहुत अच्छे अच्छे फूड्स बनाते हैं, तो इसीलिए आज मैं भी मालपुआ बनाई हूँ। तो चलिए देखते हैं मालपुआ का रेसिपी, कैसे बनाना है इसे। तो फ्रेंड्स, मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी चीनी, 1/2 कटोरी सूजी, 2 केला और थोड़े ड्राई फ्रूट्स और इलायची। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा कुछ हमने ले लिया है। अब सबसे पहले हमें मैदे को छान लेना है एक छलनी से। एक बड़ा बर्तन में हम मैदे को छान लेंगे इस तरह से, देखिए। और केले को हमने पीस लिया है मिक्सर में, 2 केले लिए हैं हमने। चीनी को भी हम पीस लेंगे मिक्सर जार में। ये देखिए, मिक्सर जार में हमने डाल लिया है चीनी को। इसे भी हमें पाउडर बना लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक बड़ा बर्तन में देखिए मैदा छान लिया है हमने, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर चीनी भी डाल लेंगे, पिसा हुआ चीनी। और हम मालपुए का घोल तैयार करेंगे। तो घोल हमेशा बड़ा बर्तन में तैयार करें ताकि अच्छे से हम इसे मिक्स कर पाएँ। घोल में लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। और हमने ले लिया है यहाँ पे केले, पिसे हुए केले भी डाल लिया है हमने। और दूध ले लेंगे हम, दूध से हम इसका घोल बनाएंगे। अब चाहे तो पानी के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मैदा ना हो तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं मालपुआ। गेहूं के आटे का भी मालपुआ बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सूजी भी डाल लिया है, ये है दूध। तो इस तरह से हमें दूध डाल लेना है। अगर आप चाहें तो सिर्फ दूध में घोल बनाएं, नहीं तो पानी भी डाल सकते हैं। तो मैं 1 गिलास दूध और 1/2 गिलास पानी डालूंगी, ये देखिए। अब घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, मीडियम घोल रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो फ्रेंड्स, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हुई हूँ, इसलिए थोड़ा मैं वीडियो कट करती हूँ और घोल तैयार करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घोल मेरा इस तरह से तैयार हो चुका है। और ये हमने घोल देखिए बहुत ही अच्छा बना लिया है, एकदम परफेक्ट। तो इसी तरह से आप भी घोल बनाएं। और यहाँ पे देखिए, हमने एक पैन ले लिया है, पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तेल डाल लेंगे।
ये हमने ड्राई फ्रूट्स डाल लिए ऊपर से। ये हैं गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब की पत्तियाँ को हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। आज हमने सुबह में ही मेरे घर में जो गुलाब की पत्तियाँ लगी हुई हैं, गुलाब के फूल, उसमें से कुछ फूल तोड़कर अच्छे से धोकर साफ करके रख लिया था हमने डेकोरेशन के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लाजवाब मालपुआ सर्व हो चुका है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये मालपुआ की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।